नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे टेलीग्राम चैनल पर, कमेंट बॉक्स में और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर कि भैया अभी तक हमारा जो है फीस लिंक नहीं आया, आखिर कब तक आएगा। और हमने जो है अपना डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के सभी अच्छी तरीके से लगा दिए हैं, सभी केबी में लगाए हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स एकदम बढ़िया तरीके से लगा दिए हैं, पर यहाँ पे हमको फीस का जो लिंक है अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं हमारे फॉर्म में? बिल्कुल, आप सभी को मैं बता दूँ, देखिए आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आखिर जो क्या है इस समय जो है सभी का लिंक नहीं आया, कितने ही कोर्सेज का जो है लिंक आ गया है, कितने स्टूडेंट के पास फीस पेमेंट हो भी गई है और कितनों ने कर ही दिया है, समझ गए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका भी जो है डिपार्टमेंट ने वेरीफाई नहीं किया है, तो धीरे धीरे वेरीफाई होता है। इसके लिए मैं आपको टाइमिंग बता दूं, देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर ये सारा जो लिंक है आता है, समझ गए। जब अपने फीस जो अपने डॉक्यूमेंट्स से सबमिट करोगे उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपका आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ देखिए मैं जो हूँ उस स्टूडेंट के पोर्टल पर हूँ जो मैंने लास्ट ईयर का लास्ट वीडियोज़ में आपको मैंने दिखाया था। और हाँ, आप सभी ने अगर अपने मार्क्स अपडेट नहीं किए हैं तो मार्क्स अपडेट जरूर कर देना। मार्क्स अपडेट का लिंक अभी भी एक्टिवेट है, जो मॉर्निंग में मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 बजे, तो अभी भी आपका लिंक एक्टिवेट है। यहाँ देख सकते हैं आपकी इनका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में हो गया था। और इन्होंने देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे इन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे लगा दिए हैं। और जब प्रिंट आउट फॉर्म निकालते हो आप तो उसमें देखते होंगे आपकी जो फॉर्म है वो जो आपका पहले वाला फॉर्म था वही डाउनलोड हो रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, आपका अभी जो है लिंक एक्टिवेट होगा फीस पेमेंट के लिए, समझ गए। अब जब फीस पेमेंट आप कर देंगे तो वहीं पे आपको जो है रिलोकेट या अपग्रेड को करके ऑप्शन कोई आएगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको किसी और कॉलेज में लेना है, जैसे अभी किसी का आपका साउथ कैंपस में आ गया और जो सेकंड कट ऑफ आएगी, अगर वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मेरा नॉर्थ कैंपस में आ जाएगा, मैंने प्रेफरेंस दी है, तो आप सभी जो है ना रिलोकेट के ऑप्शन पे कर देंगे। और होगा क्या, अगर साउथ कैंपस की जो फीस होगी, अगर जैसे 6 से 7 हज़ार या 8 हज़ार की फीस में लमसम है, अगर आपका नॉर्थ कैंपस में आता है तो वहाँ से 10 से 15 हज़ार के बीच में फॉर्म जो फीस रहती है, अगर आपने वहाँ पर 6 हज़ार फीस पेमेंट कर दी है तो यहाँ आपको 9 हज़ार करनी पड़ेगी, समझ गए। तो ऐसे आपको 6 हज़ार तो वो तो हो ही गई, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हुई है, कोई बाहर की यूनिवर्सिटी में तो हुई नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने 6 हज़ार फीस पर सबमिट सबमिट कर दी है, बाकी 9 हज़ार आप और कर दोगे तो आपका जो नॉर्थ कैंपस में जिस कॉलेज में भी आएगा उसी के हिसाब से जो है आपकी फीस ले ली जाएगी। किसी में 15 है, किसी में 10 है, अगर 10 होगी तो आप 4 हज़ार फीस पेमेंट करेंगे, 15 होगी तो 9 हज़ार करेंगे, तो जिस हिसाब से भी उसकी फीस होगी, अगर 16 हज़ार होगी तो 10 हज़ार फीस पेमेंट करेंगे, वो फीस आपकी होगी। और बाकी आप जो रिलोकेट करोगे उसकी जो फीस होगी डोनट को काउंट हो जाएगी और आपका सेकेंड कट ऑफ लिस्ट में जो नाम है उससे ऊपर के कॉलेज में जिसने आपने ऊपर की प्रेफरेंस रखी है उसमें आपका नाम डाल दिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको जो अपना कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है या अच्छा कॉलेज नहीं है, आपको किसी और कॉलेज में लेना है अपने डिस्टेंस के हिसाब से, या आपके घर के हिसाब से, या आपने जहाँ भी रूम ले रखा है, हॉस्टल ले रखा है, उस हिसाब से आप जो लेना चाहें तो उस हिसाब से रिलोकेट के ऑप्शन पर कर सकते हैं, समझ गए। ये सभी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, तो आपको पैनिक नहीं होना है कि कब तक हमारा लिंक आएगा। बहुत ज़्यादा मेरे पे कमेंट देखने को मिले थे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि अभी जो मैं जिस पोर्टल पर हूँ यहाँ पर भी जो है जो फीस का लिंक नहीं आया है, बिल्कुल अभी भी यहाँ लिंक नहीं आया, तो इसलिए आप सभी जो है घबराए ना। जैसे भी लिंक आएगा मैं आप सभी को सबसे पहले जो बता दूंगा, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी दिल्ली विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग आप सभी को यहाँ पे मिलती रहेगी, समझ गए। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो पर नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है दिल्ली विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग आप सभी को यहाँ पर अप टू डेट और सबसे ऑथेंटिक प्रोवाइड कराई जाती है, बिल्कुल। तो ये आप सभी का डाउट मैंने क्लियर कर दिया आशा करता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली इन्फॉर्मेशन में, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगा। एलएलबी का अभी अपडेट दिखा रहा है तो मेरे साथियों अभी मैं बोल दूँ आप सभी को, जो एलएलबी का है आज बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इनका जो कट ऑफ है इन्होंने नहीं दिया। अगर आप बात करेंगे कि भैया अभी कट ऑफ ही नहीं आई है, यहाँ पर 19 तारीख हो गई है और हमारी 22 तारीख तक तो सारा डॉक्यूमेंट्स का सबमिट सबमिट करने के लिए है यहाँ पे कट ऑफ शेड्यूल में, और 23 तारीख को यहाँ पर पेमेंट के लिए दिखा रहा है। बिल्कुल आप सभी को मैं बता दूँ, देखिए 23 तारीख दिखा तो रहा है, 23 तारीख दिखा तो रहा है, पर आपको करना क्या है, जब आपका जब ये जिस डेट में भी ये आपको कट ऑफ देगा उसके हिसाब से ये आपको टाइमिंग लगा देगा। जैसे 18 से 22 का माना से 4 दिन, तो अगर ये 19 तारीख को भी नहीं दे 19 तारीख को देगा तो इससे आगे के 4 दिन लगा के आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद ही काम शुरू होगा। और ये है, इसके लिए आपको डेट एक्सटेंड जरूर करनी पड़ेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, आप इसीलिए घबराए ना, समझ गए। और सेकंड कट ऑफ जब भी आएगी उसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी को प्रोवाइड होगी। और जिनका भी अभी भी नंबर नहीं आया तो भी जरा से भी पैनिक ना हो, आप तैयारी करें बढ़िया सी, जो भी अपने आप तैयारी कर रहे हैं
बाकी जैसे भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को प्रोवाइड होगी। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है दिल्ली विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग आप सभी को सबसे पहले मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।